हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रशस्त ज्ञान में। इस टॉपिक में मैं पॉलिटी के मई 2018 से फरवरी 2019 तक के जितने भी हाइलाइटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ। उन सबको मैंने कंपाइल करके इस वीडियो में रखा है। ये मैं इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के ऊपर था और अब दूसरा वीडियो पॉलिटी के ऊपर है। जिसने इकोनॉमिक्स का वीडियो मिस कर दिया हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इकोनॉमिक्स का वीडियो देख सकते हो। ये टॉपिक बिल्कुल रिसर्च के साथ बनाए गए हैं, ट्रस्टवर्थी है। आप साल और डेडिकेटेड हैं यूपीएससी प्री 2019 के लिए और स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी एग्ज़ाम है उसमें पॉलिटी के सेक्शन को ये कवर करते हैं। आपने यूपीएससी प्री 2019 का एग्ज़ाम आने वाला है, आपने तैयारी लगभग कर ही ली होगी। ये वीडियो केवल आपके रिवीजन के लिए और जो टॉपिक्स आपसे छूट चुके हैं साल भर में उन टॉपिकों को ये वीडियो कवर करेगा। अगर आपका सहयोग रहा तो मैं बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसी ही टॉपिक के वीडियो कंपाइल करके लाता रहूँगा। ये एक स्मार्ट स्टडी का तरीका है, क्योंकि यूपीएससी में पता तो है नहीं क्या पूछेगा, तो मेजर जो टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं उनमें इसमें स्टैटिक के टॉपिक भी हैं और प्लस करंट अफेयर्स के तो हैं ही। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी के टॉपिक से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी मई 2018 से फरवरी 2019 तक। अब इसमें मेजर हेडिंग है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैटूटरी प्रोविजन। उसमें पहली हेडिंग है डबल जियोपार्डी। इन टॉपिकों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि आप अपनी तैयारी कर चुके होंगे। इन टॉपिकों को अपने से रिसर्च करिए, अपने से रिसर्च करने के बाद जो फ़ायदा होगा वो आपको जरूर सफल कराएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में शायद ये आता है, देख लीजिएगा। सेकंड है आर्टिकल 370, ये हमेशा यूनिवर्सल टॉपिक है जो हाईलाइट में रहता ही है। आर्टिकल 35 है ऑल्सो, गवर्नर्स रूल इन जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 8 ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, सेक्शन 126 ऑफ आरपी एक्ट 1951, सेक्शन 33 क्लॉज 7 ऑफ आरपीए, आधार वर्डिक्ट, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी, कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कोटा एंड बेसिक स्ट्रक्चर, सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट। अब हैं इम्पॉर्टेंट एक्ट्स एंड बिल्स इस टाइम के दौरान मई 2018 से फरवरी 2019 के बीच में जितने भी हाईलाइटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स और बिल्स हुए हैं उनके ऊपर है। तो फर्स्ट है इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैटूटरी रेगुलेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो हाईलाइट हुई हैं। तो पहला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, गवर्नर ऑफ स्टेट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स अथॉरिटी ईपीसीए, अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट बेनामी ट्रांजैक्शन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, फाइनेंस कमीशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA, कमीशन फॉर डी नोटिफाइड DNT सेमी नोमैडिक SNT एंड नोमैडिक ट्राइब्स NT, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, लोकपाल, स्टैटूटरी स्टेटस टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी NCM, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग,
अब है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के अंदर है पहला रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, इंडियन पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी सर्विसेज IPESS, इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, पहला है प्राइवेट मेंबर बिल, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है UPSC में प्रीवियस ईयर। लेजिस्लेटिव काउंसिल, उड़ीसा अप्रूव्ड प्रपोजल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंटी डिफेक्शन लॉ, एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन, सस्पेंशन ऑफ MPs। फिर है जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं, न्यू हाई कोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश, सेकेंड है लीगल गार्जियन ऑफ काउज, उत्तराखंड हाई कोर्ट डिक्लेयर्स एनिमल किंगडम अ लीगल एंटिटी, क्यूरेटिव पिटीशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हाईलाइट हुए हैं, पहला रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, फिर इंटर स्टेट्स रिलेशन में, अच्छा इंटर स्टेट रिलेशंस, इसमें पहली हेडिंग है इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, फिर है इलेक्टोरल इश्यूज और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो नोटा इन राज्यसभा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सेक्शन 151A ऑफ RPA, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT। फिर है इवेंट्स और सेलिब्रेशन क्या क्या हुए हैं इस दौरान, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय एकता दिवस, पावर ऑफ 18 कंपेन, हैशटैग पावर ऑफ 18 कंपेन, सेंसस ऑफ इंडिया। अब है सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नागालैंड टू रिजेक्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। अब कुछ मिसलिनियस हैं, पहला है कासल डॉक्ट्राइन इन लॉ, दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स CEDA, फिर है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA, नेक्स्ट है सोशल मीडिया हब, इनर लाइन परमिट ILP, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट RAP सिस्टम। तो फ्रेंड्स पॉलिटी के जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट हुए हैं इस टाइम पीरियड में, वे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने कंपाइल करके इस वीडियो में डाल दिए हैं। आपने हर टॉपिक पे थोड़ी अपनी रिसर्च करनी है जिससे आपका प्री पक्का सेलेक्ट हो जाओ आप प्री में। ये टॉपिक इसीलिए है, पॉलिटी और इकोनॉमिक मेजर सेक्शन है इसलिए इन दोनों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इकोनॉमिक का अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सहयोग मिला तो मैं और भी सब्जेक्ट पे ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई सुझाव देना है या फीडबैक देना है तो कमेंट करिए। थैंक यू।